अगर आप, हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, आपके पास अपना बच्चा है रूम में, आप यही हॉस्पिटल में दाखिल हैं, ठीक है, आपके पास से आपका बच्चा गुम हो जाता है, तो इसमें अभी हमें तो इन चीजों का नहीं पता होगा कि ये इनके फैमिली मेंबर हैं, भले आपका ही फैमिली मेंबर, जो आगे जाके मजीद इन चीजों में आपको पता चल जाए, क्लियर करेंगी। हम यही मुतालबा करते हैं एसपी साहब से कि इसको जो है इसको पूरा किया जाए, इसकी तफ्तीश पूरी की जाए, और इसको जो है जो भी इनमें मुलविस है उन्हें कैफे किरदार तक, और जो है मजीद जो है अभी ये हो गई है, रिकवर हो गई है बच्ची, वो हम इस चीज की मजम्मत करते हैं, जो चीज हुआ वो उनकी बच्ची नहीं हमारी भी बच्ची है। वो है फलाई कामों को रोका जाना, कि दो दिन से हॉस्पिटल बंद की गई, ये चीजें डांक आवार हैं, इस पे एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया के लिसानी फसाद फैलाइंदड़, गंदी जबान इस्तेमाल कंदे भरपूर पेंडा कई वही कोशिश कई तो खूनी रांद खेली वे मालकान हॉस्पिटल इंतजामिया सभी मानून पुरमन रहने जो दर्स डींदे मासूम बारड़ी के दर्दनाक वाक्य से कानूनी तौर मुकम्मल सहकार कंदे अणधुरी जांच लाए जेके भी हॉस्पिटल जो स्टाफ हो तंखे मुतासिर धुर पुलिस इंतजामिया के अमलदारन के मुतालबे से पेश किया जांच में मुकम्मल पुलिस सा मुकम्मल सहकार किया मुतासिर धुर के मुबारकबाद पेश कंदे तालबो था करूं घोटकी शहर के मुतासिर धुर के परेशान कंदड़ नामा नियाज साजी टोले बत्ताखोर जहन रखंदड़ माण्हुनि के गिरफ्तार करे असल हकीकतन के पधरो कयो वञे आईजी सिंध आरपीओ सखर टीआईजी सखर एसएसपी घोटकी ये साजिशें हमारे खिलाफ 10 साल से चल रही है जो हर तरीके से हमें किसी ना किसी प्रोपेगेंडा और साजिशों के तहत फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं 10 साल हो गए हैं इसी इन्हीं सिलसिले में और इन्हीं मामलात की वजह से मेरे वालिद साहब को भी शहीद कर दिया गया जैसे आप सब लोगों को मालूम होगा आप सबके इलम में होगा कि उसमें एसपी नियाज घोसो डायरेक्टर एफआईए डिप्टी डायरेक्टर एफआईए ऐद सांगरी और इनका बहनोई जो है इमदाद अली खोसो जो कि शुरू में केस ही मेरे वालिद का उनके पास चला जिसमें उन्होंने अबूरी जमानत वक्त का फायदा उठाते हुए वो हर चीज और इसके अलावा जो है उस वक्त हमारे खानदान और हमारे जो एक फैमिली है ये इस पे जो है 108 केसेस थे झूठे केसेस जो दाखिल किए गए तरह तरह के तरीके से आज जेआईटी में ये सारी तफ्तीश जो है झूठी करार दे के ये केस हमारे हक में हुए कि हमारा कोई भी इन चीजों से कोई भी हम मुलविस नहीं थे इन चीजों से। मैं जिक्र कर गया हूँ कि जो अनासर हैं जो पेड वर्कर कहें आप बत्ताखोर कहें वो भी मुलविस हैं वो उनको भी जो है ना सामने आना चाहिए उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर इस ये मजीद हम बत्ते जो है 10 साल से दिए जा रहे हैं बत्ता ना देने की वजह से मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया वो तो रही ना एक्टिविटीज अभी ये ना बता ना देने की वजह से तो ये हमारे साथ ये कुछ